चार डिफरेंट फ्लेवर्स की हेल्दी स्मूदीज आज हम बनाएंगे, वो भी सिर्फ एक मिनट में। पीनट बटर एंड बनाना स्मूदी के लिए सबसे पहले हम एक ब्लेंडर में डालेंगे ठंडा दूध। अब हम इसमें डालेंगे योगर्ट, फ्रोजन बनानास, ये बनानास को मैंने ओवरनाइट फ्रीज कर लिया है, इंस्टेंट ओट्स, आप चाहें तो रोल्ड ओट्स भी डाल सकते हैं, कोको पाउडर, इसे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। स्वीटनेस के लिए मैं डाल रही हूँ हनी, आप चाहें तो मेपल सिरप या शुगर भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे होममेड पीनट बटर, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे ताकि एक स्मूथ हमारी स्मूदी बनके तैयार हो। तो आप एक से दो मिनट तक इसको ब्लेंड करें। तो लीजिए, हमारी बनाना एंड पीनट बटर स्मूदी बनके बिल्कुल रेडी है। इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही क्रीमी और डिलिशियस है। पाइनएप्पल और पपाया स्मूदी के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ऑरेंज जूस, ये मैंने फ्रेश जूस लिया है, उसी के साथ फ्रोजन पपाया, फ्रोजन पाइनएप्पल, ये फ्रेश पाइनएप्पल और पपाया को मैंने काट के फ्रीज कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी, उसी के साथ चिया सीड्स और हनी, आप चाहें तो स्वीटनेस अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको हनी नहीं पसंद। अब हम अगेन इसको एक मिनट तक ब्लेंड करेंगे ताकि एक स्मूदी हमारी परफेक्ट टेक्सचर की रेडी हो। तो लीजिए, हमारी बहुत ही डिलिशियस, रिफ्रेशिंग और कूलिंग पाइनएप्पल एंड पपाया स्मूदी बनके रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। स्ट्रॉबेरी एंड बनाना स्मूदी के लिए सबसे पहले हम लेंगे ठंडा दूध, योगर्ट, फ्रोजन बनानास, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, उसी के साथ हम इसमें डालेंगे मेलन सीड्स, आमंड्स यानी कि बादाम और हनी। तो अब इसको भी आप एक मिनट तक अच्छे से ब्लेंड करें। तो लीजिए, हमारी बहुत ही क्लासिक और डिलिशियस स्ट्रॉबेरी एंड बनाना स्मूदी बनके तैयार है, आप इसे ज़रूर बनाएं, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। ग्रेप स्मूदी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है ठंडा पानी, आप चाहें तो कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, उसी के साथ फ्रोजन ब्लैक ग्रेप्स, बीटरूट, ये मैंने बीटरूट को छोटे टुकड़ों में काट लिया है, पाइनएप्पल, ये भी फ्रोजन है। तो जो भी मैंने फ्रूट्स लिए हैं वो सारे मैंने फ्रीज किए हुए लिए हैं क्योंकि उससे स्मूदी का टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे वॉलनट्स और ग्रीन ग्रेप्स, इन सबको भी अब आप अच्छे से एक मिनट तक ब्लेंड करें। तो लीजिए, बहुत ही डिलिशियस ग्रेप स्मूदी बनके तैयार है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्मूदी है, बहुत ही डिलिशियस, पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, आप इसको ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी आपको आज की ये स्मूदी हेल्दी रेसिपीज़, मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ आपके लिए बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं।